السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وابراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون

तो सिर्फ दिन की बात को पहुंचा देना है सूरह अल कबूत की ये चंद आयतें हैं जिसमें अल्लाह ताला ने तब्राहिम अलैहिस्सलाम का जिक्र किया अन अनकबूत की सोलह सत्रह अठारह पहली आयत में इब्राहिम की दावत और दूसरी आयत में इब्राहिम ने जब दावत दी तो कहा कि इन नबदू नमिदूल अवस्थाना ये जो तुम अल्लाह के सिवा बुत बनाकर पूज रहे हो और इल्जाम जो है तैयार कर रहे हो ये तुम्हें रोजी नहीं दे सकते रोजी अल्लाह से मांगो उसी का शुक्रिया अदा करो और उसी की तरफ तुम्हें लौट कर जाना है दावत दिया उनके बुरे अमल से डराया और कहा कि अगर झुटलाओगे तो तुम्हारा ये काम नया नहीं है तुमसे पहले लोगों ने भी झुटलाया था रसूलों का काम दिन को पहुंचा देना है ये तीन चीज़ें बयान किया पहली चीज़ अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम में दावत दी इब्राहिम अज़म रसूलों में है पाँच रसूल अजम है कौन कौन है नूसल ईसा मूषा इब्राहीम और हमारे नबी अलैहि वसल्लम ये पाँच उज़म रसूल हैं उनमें इब्राहीमलाम हैं अलैहिस्सलाम, अल्लाह के खलील हैं और खलत ये दोस्ती का आला मैार होता है कुछ लोग अल्लाह के रसुल महमदल वसल्लम को कहेंगे कि आप अल्लाह के हबीब थे और इब्राहिम सलाम खलील थे जबकि खुद अल्लाह के नबी अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अगर मैं अपनी उम्मत में से किसी को खलील बनाता तो अबू बकर को बनाता रज़ी अल्लाह त लेकिन मेरे रब ने मुझे खलील बना लिया है गोया इब्राहिम भी अल्लाह के खलील हैं और अल्लाह के हबीब और महमद हमारे नबी मोहम्मद भी अल्लाह के रसूल और अल्लाह के खलील है खुलत हबीब से ऊंचा मक़ाम है खलील दोस्ती का हबीब से भी ऊंचा मक़ाम है कोई अगर सिर्फ़ हबीब कहता आपको हबीब और खलील नहीं कहता तो आपके मक़ाम को कम कर रहा है तो अल्लाह के नबी भी खलील है और इब्राहीम भी ख़लील है यानी दोस्ती का सबसे अला दर्जा खुलत और ख़लील होना है तो अपनी कौम से कहा कि मेरी कौम के लोगों एक अल्लाह की इबादत करो उसी से डरो इबादत क्या है

ये इबादत की तारीफ़ है और फिर तवाजो, खाकसारी या तजल्लु जिल्लत, वो पूरी तफस उसकी आप पढ़ें या सुनेंगे तो इबादत की चूँकि दो किस्में होती हैं अल्लाह की इबादत की एक तो कि अल्लाह के की इबादत खजू कौनी के साथ की जाए और दूसरी जो इबादत है इबादत खासा अल्लाह की एक है इबादत बंदगी खुश और खुजू के साथ की जाए सजदा किया जाए मांगा जाए और दूसरी इबादतें खासा जो बंदों को अल्लाह ने दी तजल्ल की जैसे वह इबाद उरहनदीनसूनानर्द हाँ अल्लाह ने अपने नेक बंदों का जिक्र किया कि ज़मीन पर आजज़ी के साथ चलते हैं जब उनसे जाहिल ख़िताब करते हैं तो सलामती के साथ गुज़र जाते हैं तो ये भी एक इबादत की क़स्म है और अल्लाह की इबादत का तरीक़ा कि अल्लाह की ज़मीन पर आजजी के साथ अल्लाह के हुम के मुताबिक वो चलते हैं और खुशु और खुशू की जो इबादत है इन इनकम फ्सम अतरमान अब्दा इबादी लल्लाक़ा सुल्तान अबन तबिन तो ये पूरी तफसील आप इबादत के बाब में सुनते होंगे इल्म के बगैर इबादत भी नहीं आ सकती और न तकवा आ सकता है इल्म के बग़ैर अबा... इबादत का तरीका गलत होगा और तकवा से आता है और कोई भी भलाई इल्म के बगैर नहीं सीखी जा सकती तो गोया इबादत के लिए इबादत का तरीक़ा जानना ज़रूरी है और जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा कि मेरी कौम के लोगों अल्लाह की इबादत करो उसी से डरो अगर तुम जानते हो तो ये तुम्हारे लिए बेहतर है तुम अल्लाह को छोड़ कर बुतों की पूजा करते हो और इल्ज़ाम की तख्लीक करते हो तुम अल्लाह के सवा जिनकी इबादत करते हो न ही तुम्हें रोज़ी देने की ताकत रखते हैं तुम अल्लाह से रोज़ी हासिल करो उसी की इबादत करो उसी का शुक्रिया अदा करो और उसी की तरफ तुम्हें लौट कर जाना है और अगर तुम झुटलाते हो तो तुमसे पहले लोगों ने भी झुटलाया है रसूलों का काम दीन को पहुंचा देना है वाजह तौर से पहुंचा देना है सूरा अल कबूत की इन तीन आयतों में 16-17 18 में अल्लाह ने अपने नबी इब्राहीम का ज़िक्र किया इब्राहीम उन पांच रसूलों में से हैं जो अज़म रसूल है अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, इब्राहिम अलैहिस्सलाम, और सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये पाँच अज़म रसूल हैं इब्राहीम उनमें से हैं अलैहिस्सलाम अल्लाह के खलील हैं खलत दोस्ती का एक आला मैार है हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अल्लाह के ख़लील हैं जैसा कि एक हदीस में आप वसल्लम ने फ़रमाया कि अगर मैं अपनी उम्मत में से किसी को खलील बनाता तो अबू बकर को बनाता रजी अल्लाह तहो लेकिन मेरे रब ने मुझे खलील बना लिया है गोया अल्लाह के नबी मोहम्मद वसल्लम भी अल्लाह के खलील हैं इब्राहीम भी अल्लाह के खलील हैं खुल्लत दोस्ती का बहुत ही अली और सबसे अली मैार है तो इब्राहीम ने अपनी कौम से कहा कि कौम के लोगों अल्लाह की इबादत करो उसी से डरो और अगर तुम जानते हो तो ये तुम्हारे लिए बेहतर है कौम के लोगों को अल्लाह की इबादत का हुक्म दिया की इबादत ईमान और तकवा के साथ कबूल है इखलास और इतबा सुन्नत के साथ कबूल है कोई भी भलाई इबादत उसी वक्त कही जाएगी जब उसके अंदर अखलासो तखवा और इतबा सुन्नत पाया जाए इब्राहिम ने अपनी कौम से कहा कि सुनो एक खदशा जो रसूलों को रहता है आज भी दावत के मैदान में है कि झुटलाएँगे इल्ज़ाम लगाएंगे तो कहा कि सुनो अगर तुम झुट लाते हो तो तुमसे पहले भी रसूलों को उनकी उम्मतों ने झुटलाया है रसूल झुटलाए गए तुमसे पहले रसूलों को झुटलाया गया है और तुम अल्लाह से रोज़ी हासिल करो वो अल्लाह रोज़ी का मालिक है उसी का शुक्रिया अदा करो और उसी की तरफ तुम्हें लौट करके जाना है गोया अल्लाह के सिवा जिसकी भी इबादत की जाए वो एक बुत का दर्जा रखता है ममूद हकीक़ी सिर्फ़ अल्लाह है अल्लाह के सवा जिसकी भी इबादत की जाए वो वसन और बुत ही का दर्जा रखता है तागूत की तारीफ़ यही है कि अल्लाह के सवा जिसकी इबादत की जाए वो तागूत है बशर्ते कि वो राज़ी हो जैसे इब्राहिम ने दावत दिया एक तबका ईसीम की इबादत करता है ईसीम अल्लाह के रसूल अल्लाह के नबी हैं लेकिन वो राज़ी नहीं थे इस इबादत से इसलिए उनका कोई कसूर नहीं लेकिन अगर कोई आज अपना सजदा करवाए अपनी चौखट पे सजदा करवाए तो वो तावूत कहा जाएगा रोज़ी का मालिक सिर्फ़ अल्लाह है इस आयत में पहला जो पैगाम दिया गया कि इबादत सिर्फ़ अल्लाह की की जाएगी दूसरा पैगाम इब्राहीम ऊरजब रसूलों में से हैं, तीसरा पैगाम ईमान तखवा इबादत की कबूलियत का बेहतरीन रास्ता है चौथा पैगाम कि अल्लाह के, अल्ला के सिवा जिसकी भी इबादत की जाए और उससे राज़ी हो तो वो तागूत है पाँचवा पैगाम के बंदा अल्लाह से रोज़ी तलब करे शुक्रिया भी उसी का अदा करे इसलिए कि शुक्रिया अदा करने से रोज़ी बढ़ती है ना शुक्री से रोज़ी घट जाती है वला शकर तुम दन नकुम अगर तुम मेरा शुक्रिया अदा करोगे तो तुम्हें रोज़ी बढ़ा दूंगा और छठा जो पैगाम इन आयतों में दिया गया कि जब सारे रास्ते बता दिए गए इबादत के ईमान के तखबा के आखरत के जजा और सजा और क़्यामत के और फिर भी कोई ना माने तो कहा गया कि देखो तुम से पहली उम्मतों ने भी रसूलों को झुटलाया था और उनका जो अंजाम हुआ था वही तुम्हारा भी अंजाम होगा यानी फौरन ख़तरनाक अंजाम नहीं बताया जाता है डराया जाता है समझाया जाता है तो दावत का एक उसलूम अलैहिस्सलाम का नकमतुलहसर फी इब्राहीमा कि वमा बलागुल मुबीन रसूलों का काम खुले तौर से दीन को पहुँचा देना फैला देना है फ़ अलैकल बलाग अलक हिसाब आपका काम पैगाम को पहुंचा देना है और हमारा काम हिसाब लेना है दाई हिसाब नहीं लेगा हिसाब अल्लाह ताला लेगा और सातवां जो पैगाम है कि अम्बिया के वारिस हैं उलमा का भी यही काम है कि रसूलों की दावत को बिला कास्त मिनवान लोगों तक पहुंचा दे अल्लाह ने अपने रसूल सलील आसम को सही और साफ़ सुथरे अक़ाइद के साथ भेजा साफ़ सुथरे रास्तों के साथ भेजा रसूल के रास्ते में कहीं गुमराही या बिदत की गुंजाइश नहीं थी न है न रहेगी क़्यामत तक इसीलिए अल्लाह ने हमें कहा कि रसूलों का काम सिर्फ़ बता देना पैगाम को पहुँचा देना है अब जब सारी चीज़ें आप जान गए कि ये रसूल की दावत है ये उसका फ़ायदा है ये उसका अंजाम है फिर गुमराही कहाँ से आती है गुमराही आने के चार असबाब हैं पहला सबब इल्म की कमी अगर इल्म आदमी नहीं हासिल करेगा तो उसे गुमराही जल्दी दबोच लेगी दूसरा सबब अकल की कमी म के साथ अक्ल भी होना चाहिए सोच सूझबूझ भी होनी चाहिए इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह जिसके साथ भलाई चाहता है उसे दीन की समझ अता कर देता है तीसरा सबब जिससे गुमराही जल्दी आती है पहला सबब इल्म की कमी दूसरा सबब अक्ल और सोच सूझबूझ की कमी तीसरा सबब इल्म भी है अक्ल भी है इरादे नेक नहीं हैं बुरे इरादे से अगर कोई इल्म हासिल करेगा तो भी गुमराह आएगा ये दहरियत ये पढ़े लिखे लोग बड़े बड़े फ़लसफे पी एच डी कैसे गुमराह होते हैं इरादे नेक नहीं होते तो इरादा भी खालि होना चाहिए और चौथा सबब गुनाह की कसरत ये चार चीज़ें हैं अगर ये हैं तो बंदा गुमराह हो जाएगा गुमराह ही उसे शिकार कर लेगी नंबर एक इल्म की कमी इसीलिए इस उम्मत को सबसे पहले इकरा का सबक दिया गया इल्म हासिल करो नंबर दो अख़ल की कमी दीन की कमी तो इसीलिए तरगीब दिलाई गई कि अल्लाह जिसके साथ भलाई चाहता है उसे दीन की समझ दे देता है नंबर तीन बुरा इरादा अगर होगा तो भी गुमराही शिकार कर लेगी इसीलिए नियत को ख़ालि करना चाहिए अल्लाह से हमेशा खैर तलब करना चाहिए रबना तफ़िर दुनिया हसना व फिल आखिरत हसना हसन वज़ा नार नंबर चार गुनाहों की कसरत यानी तौबा करेंगे तो गुनाह मिटेंगे तो गुनाहों की कसरत ये चार असबाब हैं जिनकी वजह से बंदा सब कुछ सामने होते हुए भी गुमराही का शिकार हो जाता है अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें हिदायत पे कायम रखें गुमराही और गुमराही के रास्ते से हमारी हिफाजत फरमाए और इब्राहीम और उनकी ज़िंदगी से हमें सबक हासिल करने की तौफीक बख्शे आमीन व मुहम्मद व अला आलिही व वसब याजमैन वर दीन की बात आम करने में आई प्लस टीवी की मदद करें पेटीएम या गूगल पे के लिए हमारे नंबर्स पर ट्रांसफर करें ऐसे ही और वीडियोस बनाने में हमारी मदद करें